अगर आप भी लेना चाहते हैं एक ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन जो कि आवाज़ को दूर से पकड़ने में सक्षम हो। माइक्रोफोन में हम अगर इतना दूर से भी बोलें तो हमारी आवाज़ को कैच करके रिसीवर तक बिना कटे भेजे, और साथ ही माइक्रोफोन का लुक काफ़ी शानदार हो, जिसमें कि कहीं पर हम उसे इंस्टॉल कर दें तो कोई भी अगर आर्टिस्ट आता है तो माइक्रोफोन को देखते ही पहचान जाए कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन लगा है, जो कि अपने साउंड सेटअप को काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट बनाने में मदद करता है। और साथ ही माइक्रोफोन का जो प्राइस हो वो ज़्यादा ना हो, यानी मीडियम रेंज में हो, तो आप आ सकते हैं RDRO का AMW14 माइक्रोफोन की तरफ, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो रिसीवर है बहुत ही शानदार लुक के साथ आता है, आप देख सकते हैं। इसके जो एंटीना है बहुत ही लेटेस्ट दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको जितने इसके सिग्नल सेट करने होते हैं उसका सारा यहाँ पर व्यू आपको इसके डिजिटल डिस्प्ले में देखने को मिलता है। और पूरा अपना फ्रंट मॉड्यूल जो बना हुआ है वो एक ब्लू लाइट के साथ आता है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी चैनल ए और चैनल बी की जो नॉब है, इनके साइड साइड आपको एक कलरफुल रिंग देखने को मिलती है, और 3 सेकेंड प्रेस पावर ऑन और पावर ऑफ आपको देखने को मिलता है इस रिसीवर के साथ। और यहाँ पर दोनों माइक्रोफोन में भी आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको बैटरी लेवल, नेटवर्क लेवल और आपको फ्रिक्वेंसी सब कुछ इसमें देखने को मिलती है। पूरी तरह से ये डिजिटल कंट्रोल दिखता है माइक्रोफोन। और साथ में इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, यह एक UHF माइक्रोफोन है, यानी ये बिना कटे आवाज़ को लंबे समय तक ट्रांसमिट करने में सक्षम है। तो चलिए इस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी टेस्टिंग देखते हैं, और साथ ही इसका प्राइस बताते हैं कि आपको कितने का मिलेगा और कहां पर मिलेगा। अपने इस माइक्रोफोन का जो बॉक्स है कुछ इस प्रकार से दिखता है। सामने आपको एक प्यारी सी PNG RDRO की ब्रांडिंग, साथ ही इसका मॉडल नंबर AMW14। अगर आप इस साइड देखेंगे तो इस माइक के बारे में इसके फीचर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि प्लग एंड प्ले, प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी, 60 मीटर ऑपरेटिंग रेंज, और साथ ही LCD डिस्प्ले के साथ आता है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है वो दिखाया गया है। अगर बॉक्स के पीछे की तरफ देखा जाए तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, ऐसा सब आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी दिखाया गया, कनेक्टर टाइप UHF, यानी ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में चलने वला माइक्रोफोन है, जो कि बिना कटे अपनी वॉइस को ट्रांसफ़र कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉइस लेवल है वो 96 dB का है। और आइटम यानी हमारा जो कुल बॉक्स है, इसका जो वेट है 1 kg 330 g आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, साथ ही इसका मैनुअल ऑपरेशन, इसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको इसे चलाने में आसानी मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको हमारे माइक का रिसीवर देखने को मिलता है। ये रहा माइक का रिसीवर, जो कि बहुत ही शानदार लुक के साथ आता है। हमारा ऑडियो केबल, जो कि अभी हमने आपको बताया था 1 मीटर का, एंटी रोल रिंग, और साथ ही ये अपने माइक के कवर। और यहाँ पर हमारे माइक का जो एडाप्टर है, ये देखिए एडाप्टर, और साथ ही यहाँ हमारे माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, लुक बहुत शानदार है, और हमारा ये दूसरा माइक्रोफोन देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने इस ट्रांसमीटर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसका ये पावर की है, इसको अगर आप 2 सेकंड तक लगभग प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑन ऑफ होता है। और यहीं आप देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है, इसमें आपको बैटरी का लेवल और अपने सिग्नल का लेवल, फ्रिक्वेंसी और चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि चैनल ए का अपना माइक्रोफोन है, और इसमें फ्रिक्वेंसी जो है 903.6 MHz पर लगी हुई है, और बैटरी लेवल यहाँ पर 2 है। पूरा माइक जो बना हुआ है ये हमारा मेटल का बना हुआ है, और यहाँ ग्रिल लगी है, और इस पर आपको फोम देखने को मिलता है, जिससे बहुत ही क्लियर वॉइस आपको इसमें सुनने को मिलती है। और यहाँ पर जो है इसकी जो बैटरी लगी होती है, इसको आपको ऐसे खोलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें 2 बैटरी लग के आती हैं, और साथ में यहाँ पर आपको एक की देखने को मिलती है। यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं इस माइक्रोफोन को अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, जैसे इसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देखना कि फ्रिक्वेंसी इसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए 904.4
905.2। ऐसे करके आप अलग अलग माइक्रोफोन जब यूज करते हैं, ज़्यादा माइक्रोफोन हो जाते हैं, तो अपनी फ्रिक्वेंसी को आप जो है चेंज कर सकते हैं। और हमारा ये वैसे ही चैनल बी का माइक्रोफोन है, दोनों में सेम सेटिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर जो कि बहुत ही शानदार लुक के साथ आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे रिसीवर के नॉब है, यानी इसका जो कंट्रोल की है, इससे आप अपनी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। इनके साथ में आपको एक रिंग ब्लू लाइट देखने को मिलती है इनके चारों ओर। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पावर की है, आईडीवेरी की यहाँ पर ब्रांडिंग, और साथ ही आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। डिस्प्ले में आपको RF AF यानी हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी की स्ट्रेंथ क्या है, और हम जो माइक में बोल रहे हैं वो इस वाले लेवल से इंडिकेट करेगा। यहाँ पर चैनल ए और बी का डबल इसमें स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। वैसे जो आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, सेम वैसा इसमें भी देखने को मिलेगा। और इसका जो पावर की है, ये भी आपका लॉन्ग प्रेस वाला है, इसे हम थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, थोड़ी देर ऐसे दबा के रखते हैं फिर से तो ये ऑन हो जाएगा। कनेक्टिविटी इसकी ऑटोमेटिक है, आप जो है इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लाइव प्रोग्राम में इसे यूज करना चाहते हैं, और इसे आप करोके में यूज करना चाहते हैं, या फिर आप किसी कंप्यूटर के साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से इस ऑडियो केबल के माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी हम आपको एक शानदार टेस्टिंग दिखाते हैं। सो गाइस, अपने इन माइक्रोफोन की टेस्टिंग के लिए मुझे एक अच्छे स्टेज की तलाश थी, इसी वजह से मैंने इनकी टेस्टिंग के लिए देरी कर दी। सो वो घड़ी आ चुकी है, इन माइक को टेस्ट करना, इनकी क्वालिटी कैसी है, ये सब आपको बेहतर से दिखाने के लिए मुझे आने पड़ा एक अच्छे से स्टेज पर, जो कि हमारे क्षेत्र का एक ऐतिहासिक मेला है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। हमारे गांव से बस थोड़ी दूर पर पड़ता है हुसैनगंज, और वहां पर ऐतिहासिक फूल डोल मेला के नाम से एक मेला लगता है, जहां पर एक बेहतर सा साउंड सिस्टम लगाया जाता है जो कि पूरी रात परफॉर्म करता है। तो यहां पर आपको इन माइक्रोफोन को टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसे सेटअप करना कितना आसान है, एकदम इजी स्टेप है इसको सेटअप करना। इसका जो अपना रिसीवर होता है उसको अपने मिक्सर से कैसे अटैच करना होता है, ये सब आपको डिटेल में वहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी दिखाते हैं, और इसकी कनेक्टिविटी दिखाते हैं कि कितनी दूर तक ये अच्छे से परफॉर्म करता है, बिना कटे अपनी आवाज़ को ट्रांसमिट कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम सेटअप करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा इंस्टॉल को, जो कि अपना यहाँ पर सेटअप लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी पावर एम्पलीफायर नहीं है, सारे एम्पलीफायर PA एम्पलीफायर हैं, जो कि लाइव परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। वो भी हमारे मित्र, हमारे बड़े भैया हैं, निषाद 1010 लाइट हाउस, और इनके पास DJ का काम है, और इनके पास अपना साउंड सिस्टम का भी काम है, जो कि बहुत ही अच्छा बड़े बड़े कामों में लगाते हैं। आप इनका कार्ड देख सकते हैं। अगर आप हमारे फतेहपुर ज़िले से हैं तो आप किसी भी पर्पज़ के लिए आप इनके साउंड सिस्टम को आप जो है बुक कर सकते हैं। आपका कोई भी लाइव स्टेज प्रोग्राम हो, टेंट का काम हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के इनके पास काम किया जाता है। तो यही आपको यहाँ पर कुछ सेटअप आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेरा ये सेटअप रखा हुआ है माइक्रोफोन का, इसको सबसे पहले आपको कनेक्ट कर दिखाते हैं, उसके बाद इसकी क्वालिटी टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे इसका जो अडाप्टर पोर्ट है, यहाँ पर अपने अडाप्टर को लगाना बहुत ही इजी है। यहाँ पर अपने अडाप्टर का जो ये पिन है, इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना, एकदम इजी है, बताने की कोई चीज़ नहीं है। और अपने पावर बोर्ड में उसे इंस्टॉल कर देना है, और सिंपल से अब यहाँ से अपने इस जैक को लेना है, और यहाँ से एक मिक्स आउट ले लेना है आपको, और यहाँ से आकर के अपने मिक्सर में इसे लगा देना है। मिक्सर में आपका ये माइक वाला जो सेक्शन होता है, इसमें आप लगा देंगे, आसानी से इसी में ये काम करेगा, आपको ज़्यादा कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा सेटअप को हमने सेटअप कर लिया है, मिक्सर से हमारा ये रिसीवर कनेक्ट हो चुका है, पावर भी दे दिया है, बस आपको इसकी टेस्टिंग दिखानी है। चलिए इसके हम पावर को ऑन करते हैं। कुछ देर तक इसको 3 सेकंड तक प्रेस करना है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसका जो है रिसीवर ऑन हो चुका है, माइक्रोफोन ऑन है और अपना रिसीवर ऑन है। आपको बोल के यहाँ पर दिखाऊंगा, एकदम क्लियर आवाज़ इसका सुनाई देगा। हेलो हेलो चेक, आप एम्पलीफायर के इंडिकेटर से देख सकते हैं कि इसी का आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ, कोई डीटिंग वगैरह नहीं है। हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो। और यहाँ पर आप रिसीवर में देखिए, यहाँ पर रिसीवर में जैसे मैं बोलूँगा, यहाँ पर आपको इसका AF फ्रिक्वेंसी शो करेगा और RF फ्रिक्वेंसी साइड में शो हो रहा है। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। ये मेरा पहला माइक्रोफोन है, अब इसको दूसरे वाले को हम टेस्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसका सिग्नल भी शो करने लगा है, और वैसे इसमें भी बोलेंगे उसका भी AF फ्रिक्वेंसी आपको शो करेगा। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो। जैसा कि कंपनी क्लेम करती है कि हमारा माइक्रोफोन 60 मीटर की रेंज तक जो है बिना कटे अपनी आवाज़ को ट्रांसमिट कर सकता है, तो चलिए इसकी टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ से हमारा जो एम्पलीफायर और हमारा रिसीवर रखा हुआ है, लगभग यहाँ से 10 मीटर के आसपास है। आप यहाँ से देख सकते हैं दूरी, और यहाँ से मैं बोलना शुरू करूँगा, और उसके बाद आपको इसकी पूरी दूरी जितना 60 मीटर है उससे ज़्यादा भी हम टेस्ट करेंगे। माइक्रोफोन को ऑन करते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। वैसे इसका जो दूसरा वाला ट्रांसमीटर है इसको भी ऑन करते हैं। हेलो चेक,
हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग हेलो। तो ये दूरी हमारी 10 मीटर की हुई है। अब आगे चलते हैं, इसकी दूरी को बढ़ाते हैं और फिर माइक्रोफोन को टेस्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दूरी है लगभग 30 से 40 मीटर के आसपास हो गई है। और यहाँ से माइक्रोफोन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका आवाज़ क्लियर आता है या फिर नहीं आता है। फिर आपको इसका पीक जो लेवल है 60 मीटर, वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं, वहाँ से टेस्ट कराते हैं। तो माइक्रोफोन को ऑन करते हैं, ऑन हो चुका है। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो चेक। वैसे हमारा पहला माइक्रोफोन था, अब इसके दूसरे माइक्रोफोन को भी टेस्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। तो ये दूरी लगभग 30 से 40 मीटर की हमने कवर कर लिया है। अब दूरी को पूरा ले चलते हैं 60 मीटर और फिर देखते हैं इसका आवाज़ क्लियर आता है या फिर नहीं आता है। और उसके बाद और आगे भी दूरी टेस्ट करेंगे कि कितनी दूर तक ये काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना हमारी कंपनी क्लेम करती है उतनी दूरी पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं स्टेज वहाँ बहुत दूर है, पीछे 60 मीटर के आसपास है। अब यहाँ से हम अपने माइक्रोफोन को ऑन करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं, क्लियर आवाज़ आता है, आवाज़ में किसी प्रकार का कटौती तो नहीं हो रहा है। तो माइक्रोफोन को ऑन करते हैं और बोल के दिखाते हैं। माइक्रोफोन ऑन हो चुका है और यहाँ से मैं बोलना शुरू करूँगा। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। और वैसे मेरा जो दूसरा माइक्रोफोन है इसको भी ऑन करते हैं और यहाँ से इसकी टेस्टिंग को देखते हैं। माइक्रोफोन ये भी ऑन हो चुका है और यहाँ से इसको देखते हैं। हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। अब यहाँ पर पूरी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अब इसका पीक लेवल चेक करते हैं कि पीक इसकी जो दूरी है वो कितना दूर तक जाता है, उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद फाइनली इसके बारे में आपको और जानकारी देते हैं। सो ये हम आ चुके हैं इसके पीक दूरी पर, यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी है इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्टेज है बिल्कुल यहाँ से इतना सा छोटा सा दिख रहा होगा। और यहाँ से अपने माइक्रोफोन को ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ से इसकी आवाज़ क्लियर आती है या फिर नहीं आती है। तो ये माइक्रोफोन ऑन है और यहाँ से हम बोलना शुरू करते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो। तो आपने देखा कि ये किस तरह से इतनी दूरी पर भी काम करता है, यानी इसका पूरा टेस्ट पास हुआ। तो आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आडियोरे की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर आप जा करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इसे आसानी से खरीद पाएंगे। रेट इसका वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप बताएं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगता है और आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फिर से आपसे मिल सके किसी अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।